भागवतम में इन्होंने स्थिति की जो भागवतम में दिया गया, और इनकी इच्छा गोपियों जैसी भी भक्ति प्राप्त करने की लालसा थी। तो इस प्रकार से विष्णुदेव की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। इन्होंने कृष्ण को तो चाहा कि कृष्ण की शपथ जो है, मैं शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, मैं इसको आज मैं तोड़ के रखूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा देते हुए अर्जुन को रक्षा करने के लिए गुस्से में कृष्ण पहिया रथ के जो पहिया है उसको निकाल के विष्णुदेव को मारने तक दौड़ पड़े। तो विष्णुदेव खुशी से कहने लगे, मैं जीत गया इत्यादि। जब इस प्रकार विष्णुदेव बाणों को मार रहे थे, कृष्ण के शरीर था और खून भी बह रहा था, किंतु श्री कृष्ण उसको बिल्कुल एकदम एक भक्त के प्रीतिपूर्वक प्रतिपाद ने तो बिल्कुल श्रृंगार रसात्मक रीति से व्याख्या की उसकी। इस प्रकार से भगवान ने उनका कोई दोष नहीं लिया, बल्कि प्रेम के ग्रहण किया। इसलिए विष्णुदेव को हम नहीं समझ सकते हैं। द्रौपदी ने भी पूछा कि इतना ज्ञान आप कह रहे हो, अभी धर्म की बात है, तब कहाँ गया जब मेरा अस्त्र हरण कर रहे थे? तब इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तब मैंने दुर्योधन का नमक, और इस समय क्या हो गया, सब कुछ बह गया खून में, सब कुछ बह गया, यानी साफ हो गया। साफ होने से मति पहले जैसी शुद्ध वैसी ही प्रेम भक्ति हमारे इन भी बोलो भीष्म हाँ देखो भीष्म जो है ना कह रहे हैं, जब महाराज कह रहे हैं स्वयंभू स्वयं